जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने देश में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। कश्मीर के बडगाम के अरिजल खान सैब में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का पता लगाया है। साथ ही सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा का मददगार जहूर वानी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि ये ठिकाना सुरंग नुमा था। इसके साथ ही आतंकी के ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ गोला बारूद भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि सुरंग में मिले सामानों को देखकर लगता है कि आतंकी कई दिनों से यहां रुके हुए थे और किसी बड़ी आतंकी घटना की प्लानिंग कर रहे थे। ये सुरंग जहूरवानी के घर से करीब 300 से 400 मीटर दूरी पर है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जहूरवानी आतंकियों की मदद काफी समय से कर रहा था। जांच में जुटी पुलिस और सुरक्षा बलों ने वानी के चार और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक का नाम यूसुफ है, जो कि बडगाम और बारामुल्ला इलाके में सक्रिय है। ये सभी लोग अरिजल खान सैब कस्बे के रहने वाले हैं और यही सभी लश्कर के आतंकियों को लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट मुहैया कराते थे। ये ग्रुप पिछले कुछ महीने से इस इलाके में एक्टिव था। आपको बता दें कि मारे गए कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू की सुरक्षा बलों को लंबे समय से तलाश थी और सेना ने उसके ऊपर 12 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। वहीं हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नाइकू के खात्मे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने फिर से कमर कस ली है और आतंकियों को उनके किए का दंड दे रही है। न्यूज़ डेस्क।